On a very serious note, so what is happening around in the country? You've been very vocal about it. You want to say what's going on in your head? I mean,. पर राहुल मैंने सुना इस फिल्म के बाद यू वांट टू रिटायर क्योंकि बीइंग uh, अदिति मैंने अल्टीमेट हो गया आपके लिए दो-दो लड़कियों को ऐसे रोमांस ठीक से पता नहीं है मैं बहुत के मैंने अर्ली करियर में कर लिए उसके बाद में सात साल रिटायर भी हो चुका थैंक्स टू तो सम ग्रेट फिल्म हु आई मेट माई फ्रेंड बिफोर बट आई लव दम एंड थैंक्स टू माई स्टूपर परफॉर्मेंस इन दैम मैं रिटायर हो चुका था भाई साहब ये तो थैंक्स टू तो अनुराग कश्यप है जिसने मुझे वापस लाया बुला रे बड़ी जल्दी रिटायर हो गया अब आप तुम वापस मुझे रिटायर कर रहे हो तो हाई मैं ये तो धन्य वाला रि 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 रिटायरमेंट है भाई बट टॉक अब स्टूपर परफॉर्मेंड डू यू एक्चुअली फील योर परफॉर्मेंस वो टेरेबल वट यू लुक योर सेल्फरी क्या 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 हो रहा है वैसे हुआ था क्या आई ऑफन फील दैट कौन सी कौन सी जैसे सारी जितनी भी मैंने की है पहले मुझे ऐसा लगता है क्या बकवास कुछ कर, क्या सीख कर आया था मैं क्या समझ के आया था यहाँ पर कि कुछ होगा खुद ही मतलब मुझे लगता था यू नो हर बच्चे को लगता है ना जब स्मॉल टाउन से हम कश्मीर से आते हैं हमें लगता है अमिताभ बच्चन है आते क्योंकि बच्चन साहब की फिल्में देखी थी एक बार तो एक हाई कर ऑर्गेजमिक साउंड था सर हाई करते ऑर्गेज्म का होता है हमें पता तो सर, नहीं सर कुछ नहीं होता <laughs> सर जब बीवी थप्पड़ मारती है आपको पता चलेगा अच्छा बट दैट्स ग्रेट एटलीस्ट यू आर अप्रिशिएटिंग द फैक्ट दैट दोस थिंग्स Taught यू सो मच मेरे भाई बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू टॉक अबाउट रिटायरमेंट डिड यू एक्चुअली से कि मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा मैं फार्मिंग करूंगा वगैरह वगैरह ऐसा थॉट्स आ रहे थे भाई मैं क्या इंडस्ट्री छोड़ दूंगा इंडस्ट्री अगर मुझे छोड़ देगी तो मैं क्या करूंगा इशू ये नहीं है भाई यहाँ पे लोग बहुत बड़ी फिलोसफिकल बातें करते हैं ना कि लॉस्ट एंड फाउंड एंड पता नहीं मिला पता नहीं क्या अल्टीमेटली कुछ ऐसा नहीं होता ये किस्मत है अगर आपकी पिक्चर चल पड़ी

वा, यही फिल्म का मोटो था कि इसको एक गाड़ी में बैठा दो <laughs> <laughs> ऐसे ही कुछ था ऐसे ही कुछ थैंक यू सो मच आई एम वेरी गिविंग एंड लविंग अबाउट यू बाबा, so <laughs> बाबा 2016 में यू एक्चुअली केम अबाउट एंड स्पोकिया ओपनली व्हिच इज ईटिंग डिसऑर्डर बहुत थॉट प्रोसेस लगा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं बस थोड़ा गट्स लगे आई आई डेंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू रिएक्ट टू दैट एक टेड टॉक था तो मैं बोल रही थी बिकॉज आई वॉन्टेड हैव इशूज विद हाउ दे परसीव दम सेल्व टू बी एबल टू थिंक एंड यू नो रिफ्लेक्ट दैट्स ऑल उसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी और कोई मुझे नहीं लगा था किसी को पता भी चलेगा आई आई होपिंग नो नो वन फेस गॉट ओवर इट क्विकली क्या बगर, अभी भी अच्छा खाती ही नहीं आप क्यों इन ने बाबा कि सुधीर सर ने खिलाया है कि नहीं नहीं तू खिला रहे क्या मेरे पास क्या है यहाँ पे सुधीर सर ने माने मैंने अच्छा मुझे वडा पाव खिला दिया है अच्छा सस्ता सुंदर सस्ता टिकाओ मैं बहुत बड़ा अच्छा था लखनऊ में यार खाना बड़ा अच्छा था बाबा इसको देखो वेरी नाइस माने वाह सीरली इन लवर्स लेन यू एट नो नो आई डिडंट इवन गो टू लवर्स लेन आई वाज नॉट देयर एनीवेयर देयर सर ये देखिए कंप्लेन कर रही है सर आप इनको नहीं ले गए लवर्स लेन में सर ये गलत बात है सर सब हर चीज़ बता तो नहीं सकती है और उनकी निजी जिंदगी है उसमें थोड़ी ना डायरेक्टर दखल देता है कौन कहाँ जाता है शॉर्ट शूटिंग के बाद मुझे नहीं पता जी आपने हिंट दे दिया नॉटी बॉय अच्छा सर ये वो नहीं है कौन कहा जाता है शूटिंग के बाद हम लोग प्रोफेशनल है आठ घंटे डायरेक्टर कंट्रोल कर सकता है कि भाई ऐसा करो ऐसा करो

और इमरजेंसी के बाद छोड़ के गए थे तो मैंने उनसे कभी पूछा था बाद में कि आपने अपने बच्चों को किसी को पॉलिटिक्स में क्यों नहीं लेके आए तो बोले कि यार वो पावर तुम्हारी नहीं है क्योंकि तुम किसी एक कोख से जन्मे हो तो जाना है तो फिर तो उन्होंने कुछ हमको आम आदमी की जिंदगी में फेंक दिया जो बहुत अच्छा है तो मैं आया हाँ प्रोडक्शन में असिस्टेंट बन गया विनोद चोपरा का डब्बे वब्बे उठाता था, था फिर कुंदन शाह ने बोला स्क्रिप्ट लिखो और कुछ हो गया जिंदगी में लेकिन पावर जो है वो नशा जो है बड़ा ज़्यादा कमीना है और वो उस उस कमीने नशे के आसपास जो है इश्क मुमकिन नहीं है जब आप एडिक्टिव एडिक्शन हो जाता है पावर का जो कि देवर पारो को हो जाता है इस फिल्म में तो फिर सारी गड़बड़ें होती हैं और उस वो आड़े आता है उनके इश्क के ऐसा कुछ कहानी है और शरद बाबू मुझे माफ़ करें मैंने बहुत बिगाड़ी है तो जो ये देव साहब हैं वो मरेंगे नहीं आखिर में पारो के दरवाजे के बाहर पारो जो है कोठी के पीछे बंद नहीं होगी चांदनी जो है वो चंद्रमुखी जो है वो थोड़ा सा फिक्सर है पावर हैंडल करती है ब्रोकर है सडकट्रेस है लाइक बर्ड सडक्ट्रेस हाँ जो सडकट्रेस है ये करती है देव से लेकिन सिर्फ दुखी सा चेहरा लेके जाएगी नहीं अपने लिए भी कुछ लेके जाएगी ये कहानियाँ अलग हैं कहानी अंत में बिल्कुल अलग है रिश्ते एक है सर जी विल फॉरगिव यू सर बिकॉज़ आई एम श्योर यू विल मेक अनदर मास्टरपीस सर डोंट वरी उन्होंने मुझे अभी बताया है नहीं मैं बताया था ना मैं अभी उनसे आ, पूछ परमिशन ली मैंने अच्छा आपने मैं परमिशन ली मैं सजदे में <laughs> सजदे में था मैं सजदे में हूं अरे सर शेक्सपियर साहब आगे क्या करूं मैं नाउ यू सेल्फ सेडक्टिव सेडक्ट ओ यू वांट मी टू स्मेल या ओ एस ई डी

This is not about which political party you support or whether you are a feminist or not. This is about just standing up for women's safety and uh, children's safety and standing up against rape. There shouldn't be any debate about. Whether this is the right stand to take or not, or activism around it or communalizing of the issue or politicizing of the issue, this is an issue that as a strange point for us as a country you know to wonder okay, how can we be rape apologists? Some of us are in in a sense by default, so that's not cool. आई अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट वॉट यू आर स्टैंडिंग फॉर एन ऑल ऑफ़ यू एज वेल सर जाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर हर फिल्म आपकी हिस्ट्री में लिखी जाती है मेरी अंदर की आवाज़ बोल रही है दिस ट्विस्टेड जो देवदास आप कर रहे हैं सरत जी से माफ़ी मांग कर वो भी हिस्ट्री में लिखी जाएगी सर पता नहीं यार ऑडियंस को मजा है बस ये ख्याल है और अलग सी आपको कहानी मिलेगी इश्क भी मिलेगा लेकिन एक कॉन्स्परेसी थ्रिलर सा भी मिलेगा आपको सौरभ शुक्ला साहब हैं फिल्म में बहुत अहम पार्ट कर रहे हैं वो और बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस भी है उसका तो आपको एक्टर्स बहुत ही अच्छे हैं विपिन शर्मा और मैं देख रहा हूँ सर मेरे तीनों बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत अच्छे एक्टिंग करते हैं हाँ अनुराग कश्यप भी हैं फिल्में और विनीत सिंह भी, ये, भी गामे हैं गामे और बहुत सारे सोहेला कपूर हैं अनिल जॉर्ज हैं बहुत सारे एक्टर्स तो कमाल हैं फिल्में अब बाकी मैंने उनको कैसा इस्तेमाल किया है और कैसे शरद बाबू की माफ करें कहानी थोड़ी बिगाड़ के कुछ और बनाया है और अंत में आपको कुछ और देने की कोशिश की है वो ऑडी पर पर तो एक कम्प्लेन तो तो है सर प्लीज नेक्स्ट टाइम आई रिक्वेस्ट यू हम्बली सर एज यू इनको लवर्स लेन ले जाइए सर बहुत अपसेट फील कर रही है सर लखनऊ में रहिए ये गया है ये गया आप गए ये नहीं गई सर बता दो कम्प्लेन करके बता दो तुम तो बोल रही थी मैं दूसरी गाड़ी में जा रही थी वो हाईवे पे थे यार तुम लखनऊ की हो ना तो जो फैजाबाद का हाईवे बना है वो अलग है You can make any lane a lover's lane if you want to. <laughs> 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 Love in the fast lane. Basically. Absolutely. And I really pray and wish that <laughs> you go to lover's lane and enjoy every moment there. Right? <laughs> I'd rather create my own wherever I am. <laughs> thank you so much rahul god bless you brother see there and uh, keep in touch with richa and aditi they are good people to hang out with also they are great people when they're not busy with me they can hang out with you take now that care we have your endorsement our life is complete <laughs> thank you see you. thank you or sir agar next time you are looking for a uh, ugly hero i am there sir कॉलिंग सेल्फ मतलब मुझे तो बड़ा स्ट्राइकिंग अच्छा अच्छा कैसे फील करती बताओ बारे बारे में नाक भी क्या बारे में ये नाक तुम तुम अच्छे हो हो अपने आप को नहीं बोलना चाहिए अगली दोस्तों सॉरी टू एंडिंग दिस